गिरफ्तार टीएमसी नेता शंकर आर्या कोर्ट में पेश। टीएमसी के शारजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। सीबीआई और ईडी को धमकी देने का बीजेपी ने जारी किया शेख का वीडियो, लिखा जल्दी जेल जाएंगे शेख। सीबीआई ईडी वाले साधारण बाल के दूर को बैठक चूर चले देगा, बीजेपी दलाल ने कान खुले छोड़े। इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में घमासान जारी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए न्यूज 18 इंडिया इस सवाल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा अभी 10-15 दिन के बाद। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम। बघेल को जल्द समन्स भेज सकता है प्रवर्तन निदेशालय। अयोध्या में रामलला के दर्शन पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की लोगों से अपील। 26 जनवरी के बाद लोगों से अयोध्या आने को कहा, रात 12 बजे तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। 26 जनवरी के बाद आना, प्रतिदिन आना। हम भी कोशिश करेंगे कि आप जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे मंदिर बंद नहीं कराएंगे। भारत के मिशन सूर्य आदित्य L1 के लिए आज बड़ा दिन, थोड़ी देर में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा आदित्य L1। इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था मिशन। गैंगस्टर्स के खिलाफ नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर रवि काना पर 12 से ज्यादा केस दर्ज। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शारजहां शेख पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि टीएमसी नेता शारजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कल ईडी की रेड के दौरान शारजहां शेख अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद परिवार समेत गायब हो गया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि शारजहां ने कल बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव के चलते बीएसएफ और बीडीआर की बॉर्डर पर सख्त पहरेदारी है।